हेलो दुरंद्रो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो डेली करंट का तहलका जो कि मैं हर रोज कराता हूं, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपके आने वाले एग्जामों में, ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। तो दुरंद्रो की एक करंट अफेयर क्लास होती है डेली सुबह 7:30 बजे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी और 7 बजे इसको अपलोड कर दिया करूँ, ठीक है, और आने वाले एग्जामों की आपके अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी हो सके, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इंटरनेशनल जो अफेयर होते हैं, जो मेरा एक टॉपिक बना हुआ पड़ा है विश्व अफेयर नाम से, आप जा करके वहां पर अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इंटरनेशनल अफेयर के बारे में, देश विदेश में क्या चल रहा है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और दूसरी बात यह है कि मेरी तरफ से सब कुछ फ्री है अपने यूट्यूब चैनल पर। कोई भी जीके के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आप में परेशान नहीं आ रहा आपको, तो आप सीधा जा करके मेरे ऑन यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर जीके का बैच पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से बेसिक लेवल से जीरो से हीरो आप बनने की पूरी कोशिश कर सकते हो, उसमें मेहनत लगा रख के विद प्रैक्टिस सेटों के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास 6 जुलाई, आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशनल के साथ करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल, रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा मतलब रास्ता, जो भी संघर्ष का चुनता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, वही चमकता है, ठीक है। इसी प्रकार से लगे रहो, एक न एक दिन तुम सूर्य की तरह चमकोगे मेरे भाइयों, ठीक है। तो आज 6 जुलाई है, तो आज विश्व जूनेशियस दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व के अंतर्गत, ठीक है। इसके बारे में बता दूं, ये ऐसी बीमारी है जो मतलब कि जानवर से मनुष्य में, मनुष्य से जानवर में फैलने की आशंका होती है। तो इसी को लेकर के जागरूकता, और हर साल 6 जुलाई पे बनाया जाता है। जैसे कि और बीमारियां, अन्य बीमारियां होती है, इबोला है और एवियन इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस है, सभी इनको लेकर के जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड जूनेशियस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड जूनेशियस दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज का मैंने डे बता दिया आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अल्लूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी है। ये इंपोर्टेंट है फिलहाल, क्योंकि पीएम मोदी द्वारा कराई गई इनकी स्थापना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है मेरे भाई। और इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, प्रॉपर लिखी विद प्रूफ के साथ मैं बताता हूँ, ठीक है, कि पीएम मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राज की 125वीं जयंती पर उनकी 30 फिट ऊंची कांस्य मतलब ब्राउन का अनावरण किया, और 15 टन की यह मूर्ति है और 3 करोड़ इसमें लागत आई है। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में क्षेत्रीय क्षेत्र सेवा समिति द्वारा स्थापित किया गया है। सीताराम राजू की राम पच्चोडावरम वन क्षेत्र में रंपा, ये इंपोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, रंपा विद्रोह या मनियम विद्रोह के लिए जाना जाता था, और जो शक्तिशाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ किया गया था, ठीक है। वो रंपा विद्रोह, मनियम विद्रोह किसके लिए था, ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से किसने चलाया था, ये अल्लू सीताराम जी ने वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ भी अपने सहयोग दिया था ब्रिटिशों से लड़ने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं पहले क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? सस्टेनेबल साइको इंडस्ट्री रेस्टोरेशन, या वन अर्थ वन हेल्थ, या कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, या नन, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है, हिंदी में मुझे मिली नहीं इसकी, ठीक है, इसलिए मैंने सभी मैंने इंग्लिश में डाल दी थी। तो कैटलाइजिंग इज द सी इज द राइट आंसर हो जाता है, कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टिकेट, ठीक है। इसको भी पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि यह गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया, और डिजिटल इंडिया वीक की थीम आपके सामने है, और पीएम ने भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी का भी शुभारंभ किया। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसके थ्रू किया गया है, ठीक है, डिजिटल इंडिया भाषिणी, सॉरी भाषिणी, ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज किससे रिलेट हो करके मैं पढ़ा रहा हूँ, और किससे रिलेटेड होकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, उस भी आपको पीछे एनालिसिस में मैं बता देता हूँ, ठीक है। शुरू में तो ऑप्शन है, चलो ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा बेसिक रूप में दे देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हाँ सॉरी, इसके लिए कल और आज की, परसों की मैंने पीडीएफ नहीं डाली, आज डाल दूंगा सब कुछ अभी थोड़ी देर बाद ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की है? ये इंपोर्टेंट है,
अब आपके लिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये आपके पीयूष गोयल है, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने, या डी, तो वाणिज्यिक बी इज द राइट आंसर हो जाता है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की है स्टेटस में। ठीक है मेरे भाई, इसके बारे में थोड़ा और मैं बता देता हूँ कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको DPIIT बोला जाता है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की। यह रैंकिंग 7 सुधार क्षेत्रों पर केंद्रित है। गुजरात, कर्नाटक, मेघालय के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि बिहार, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख में उभरता हुआ स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वर्ग को रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, ये सभी चीज इंपोर्टेंट है, कौन शीर्ष पर है, कौन कहाँ पर है, किस चीज को क्या बोला जाता है, मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन, लिस्बन डिक्लेरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिस्बन डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किसके संरक्षण से जुड़ा है? महासागर, सागर, समुद्र, नदी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ए, महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का समापन लिस्बन घोषणा, हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी, ठीक है, किस सर्वसम्मति से अपनाने के साथ 150 देशों के अधिक देशों के साथ महासागर आपत्ति आपात स्थिति में निपटने के लिए विज्ञान आधारित नवोन्मेषी कार्रवाइयों को बढ़ाने की सहमति व्यक्त की। लिस्बन घोषणा विकासशील देशों, मुख्य रूप से छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों, कम विकासशील देशों द्वारा सामना की जा रही क्षमताओं की चुनौती के ध्यान रखती है। कुल मिलाकर यहाँ पर ओशियन को सेव करना, अपने इस महासागर को सेव करना है। जैसे कि आप खेतों में फर्टिलाइजर करते हो तो वहां पर बारिश होती है ना, वो तो वो बह करके नदियों में चली जाती है, नदियों से सीधा किस में चली जाती है, समुद्र में। समुद्र में एक परत बना लेती है ऊपर, ठीक है, नीचे जो जीव रह रहे हैं उनमें ऑक्सीजन लेने में उन्हें कठिनाई होती है, वो वहीं के वहीं मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, इसी प्रकार को सेफ्टी के लेकर के बात चली थी, ये अभियान चला है। ठीक है, तो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पर चलते हैं, आपके फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, बुनकर चींटियों से बनी काई चटनी किस राज्य की लोकप्रिय भोजन है? ये इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में चला तो इसलिए मैंने डाल दिया, काई चटनी, उड़ीसा में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, काई चटनी जो है वहीं के लोग, जो आदिवासी लोग है, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने इसके बारे में थोड़ा बता भी रखा, जिनका इसका नाम आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ सकता, ओकोफिला सिमार्गडीना। ठीक है मेरे भाई, ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 284 मिलियन लोगों ने 2020 में नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है? ये इंपॉर्टेंट है, यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट ये खबर है। ठीक है मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। इसमें सारी रिपोर्ट मैंने जारी कर रखी है, किसने किस किसने क्या हुआ, युवा नशे का ज्यादा सेवन हो रहा है आज के समय, जिस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की थी इन्होंने। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके सामने मैंने रख दिए, आपसे पूछ भी सकता है। ठीक है, कि कितने परसेंट वृद्धि हुई है, 26%, कितने लोग इसके उपभोगी हुए हैं, 284 मिलियन लोग, ठीक है, 2020 से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकता है, नहीं पूछेगा तो इसको पूछ लेगा, यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल प्यार से, आराम से, बड़ी सिद्धि से समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? अब इसको RBI के, BBK, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर अब FSIB, जो कि फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है, इसको लॉन्च किया जा रहा है, मतलब इसको ही बदला जा रहा है इसके रूप में। ठीक है, ये जो बैंक है, इसका जो बैंक ब्यूरो जो BBB है, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो, इसका मुख्यालय हेड मुंबई में था। ठीक है, अब इसको बदल दिया है, स्वयं स्वयंता ही संस्कृत संस्था के रूप में कार्य करती थी, ये 2014 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसको लेकर के उस समय RBI के गवर्नर जी हमारे रघुराम राजन जी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन आपके सामने है, किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की उसमें, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 में प्राप्त हुआ है, हेल को, शेल को, HCL को, टाटा को, तो HCL को मिला है। ठीक है मेरे भाई, ये पुरस्कृत, ठीक है, ये अवार्ड। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन आने को, तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में किन दो देशों ने शामिल होने के लिए आवेदन किया?
ईरान, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन, स्वीडन, ईरान। शायद मैंने पूरा वर्ल्ड का मैप दे रखा है, तो यहाँ पर तो है ईरान जो कि गल्फ के देशों में है, और यहाँ पर है आपका क्या, आपका अर्जेंटीना, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये पैसिफिक महासागर से टच है, ठीक है मेरे भाई। तो ईरान और अर्जेंटीना इज द राइट आंसर हो जाता, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से विश्व अफेयर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा, इसके बारे में जानना हो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है ऑन यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री है, PDF आपकी उस पर पड़ी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने, सरकार हो गया, तो सरकार में हाल ही में टी हब सुविधा खोली है। टी हब सुविधा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो तेलंगाना में ये खोला गया है टी हब सुविधा, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक है, वो टेक्नोलॉजी है, ये हैदराबाद में खोला गया है। हैदराबाद में टी हब टेक्नोलॉजी हब की शुरुआत 2015 में हुई थी, अब 7 साल बाद 2022 में इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, ठीक है, आपके सामने दिख भी रहा है। टी हब कंपनियों के कार्यालयों में बैठकों के लिए किराए पर जगह देता है, और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में स्टार्टअप कंपनियों के सलाहकारों और निवेशकों के साथ कनेक्शन जैसी सेवाएं प्रदान करता है, कुल मिला के बैठकों का आयोजन करवाता है अपने अंतर्गत, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो टी हब आप समझ चुके हो गए, ये तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश भर के बताना तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो कि अब 2024 के बाद अमरावती हो जाएगी, ठीक है, अभी तक तो हैदराबाद ही है, ठीक है। आशा करता हूँ आज की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी, एक एक चीजें आपके दिमाग में फीड हो चुकी होगी। आज के करंट अफेयर में यही क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सभी भाइयों से यही कहो कि GK के रिलेटेड आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दुविधा आ रही है तो ऑन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ें, विथ प्रैक्टिस चार्ट के साथ पढ़ाए मेरा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और सभी भाइयों को बता दो, ठीक है।